What? This for the free gift, souvenir. ओके सुविनियर, ओके थैंक यू। तो गाइज ये टिकट मेरे को मिल गई है और आधा घंटा है हमारे पास, ये इन्होंने एक सुविनियर दिया है टावर का। चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या है। 7 बजे बंद हो जाएगा, थोड़ा लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भाई यहाँ से एंट्रेंस है, बढ़िया एंट्रेंस बना रखी है। चलते हैं ऊपर फटाफट और देखते हैं। विच वन इज टिकट? सॉरी, ओके बाई, ओके ये, ओके ये भाई साहब पहुँचाएंगे हमें ऊपर। थैंक यू। और वो मैम बैठी हैं, ठीक है चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या है। तो गाइस दो बटन इन्होंने दबाए हैं, मेन ऑब्जर्वेशन डेक और आउटडोर, यानी इंडोर भी दिखाएंगे और आउटडोर भी। अच्छा खासा ऊपर लग रहा है यहाँ से। तो ये लीजिए गाइस, आ गए हम, ये देखिए। और यहाँ से अगर आपको व्यू दिखाऊँ मैं, ये देखिए पूरा मकाऊ नज़र आ रहा है। गॉड, ये देखिए, ये देखिए कितने ऊपर हम, ज़बरदस्त भाई शीशे पैर। ये देखिए गाइस ये व्यू है यहाँ से, बहुत परफेक्ट टाइम पे आए हैं हम, अंधेरा होने से पहले आ गए हैं और अंधेरा भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो लाइटिंग भी दिखेगी हमें, बट 7 बजे ही बंद हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं आपको इसका एक पूरा व्यू दिखाऊं तो ये देखिए पूरा राउंड सर्कल है इसका एक, वो आपको दिखाता हूं मैं अभी। क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, टाइम भी ऐसा है ना बिल्कुल इवनिंग का, तो आप देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, ज़बरदस्त। ये सी साइड है यहाँ की, और ये दूसरी साइड है, ब्रिज देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा पूरा आपको। मकाऊ आना वसूल हो गया मेरा। और ये दूसरी साइड है, ये देखिए ब्रिज के, ये देखिए अच्छी खासी ऊंचाई पे है। पूरा मकाऊ दिख रहा है यहाँ से। और ये आ गए हैं वापस उसी जगह पे, ये देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था। क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, पूरी सिटी दिख रही है। तो गाइस टावर की जो हाइट है वो 338 मीटर है, और 1998 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2001 में बन के रेडी हो गया था। तो दो डेक हैं इसमें, एक ऑब्जर्वेशन डेक है ये अंदर वाला है, और एक बाहर वाला है जो आउटर रिम है इसका, उस पर बाहर ले जाके दिखाते हैं। ये 58th फ्लोर है, मतलब कि 58 सेकंड लगी है नीचे से ऊपर यहाँ तक आने में, बहुत फास्ट लिफ्ट है। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अब आउटर रिम पे चलते हैं, बाहर की तरफ का व्यू और देखते हैं। ये देखिए यहाँ से आप, ये है यहाँ से, ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सी साइड है यहाँ की, ये बंजी जंपिंग होती, बंजी जंपिंग भी होती है यहाँ पे, बट अभी क्लोज है वरना करते हैं, मज़े आते हैं। इस टाइम बंद कर देते हैं ये। एनीवेज व्यू बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया देख के। ये देखिए नीचे का इन्होंने ये भी दिखा रखा है, ग्लास लगा रखा है वॉक करने के लिए, तो वॉक कर सकते हो नीचे, सीध नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये है यहाँ पे, आउटर रिम पे चलते हैं। ये बच्चों के लिए कुछ
यहाँ पर खिलौने रखे हैं। तो ये यहाँ पर इनका ऑब्जर्वेशन डेक है। ये वापस लिफ्ट के पास आ गए हम, अब ऊपर चलते हैं आउटर रिम पे। तो ये है गाइस आउटर डेक। आउटर डेक में बस ये है कि एसी नहीं है, ये देखिए ऊपर से खुला है, बस यही फ़र्क है और कुछ खास फ़र्क नहीं है, बल्कि नीचे से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। यहाँ का व्यू ले लीजिए आप, ठीक दिख रहा है यहाँ से भी। ये देखिए नीचे से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, बट ठीक है यहाँ भी बढ़िया है, नेचुरल एयर है, एसी नहीं है तो बढ़िया। और ये देखिए यहाँ मिरर लगा रखा है इन्होंने, ये मिरर में जब आप देखोगे तो इसका टॉप नज़र आता है यहाँ खड़े होने पे। ये देखिए इस मिरर में देखते हैं तो यहाँ से टॉप नज़र आता है, और ये बाकी वही है। तो अब गाइस कैसीनो देखेंगे हम यहाँ पे नीचे जाके, थोड़ा 7 बजे तक यहाँ पे रुकता हूँ मैं, 15 मिनट और हैं, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे और नीचे जाके फिर कैसीनो और देखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, नीचे जाके करते हैं बात। तो गाइस टावर हो रहा है बंद, और ये आप लास्ट लुक ले लीजिए इसका, इवनिंग 7 बजे बज चुके हैं और नीचे हल्की हल्की लाइटिंग हो गई है स्टार्ट, और अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। ये देखिए जाते जाते आपको दिखा देता हूँ एक लास्ट लुक। ये देखिए ब्रिज की पूरी लाइटिंग नज़र आ रही है। ये देखिए ज़बरदस्त। तो गाइस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ऊपर से, अब आ गए नीचे, एयर एग्ज़िट और निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, तो मज़ा आ गया बिल्कुल। तो तब तो गाइस मैं जल्दी जल्दी में घुस गया था क्योंकि लेट हो रहा था 7 बजे से पहले पहले मेरे को देखना था, क्योंकि 7 बजे बंद हो जाता है, तो अराउंड 6:20, 6:25 में मैंने एंट्री करी थी, तो मैं आपको इसकी एंट्री नहीं दिखा पाया। ये देखिए ये एंट्री इसकी मकाऊ टावर की, बढ़िया बाहर दो लाइन बिठा रखे हैं, और ये एंट्री है यहाँ की, पीछे लिखा भी हुआ है मकाऊ टावर कन्वेंशन एंड एंटरटेनमेंट सेंटर। तो ये यहाँ का मकाऊ टावर था जो आपको दिखाया है मैंने। अब यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और जाएंगे कैसीनो देखने, चलते हैं। तो ये गाइस बस है इनकी, वही सेम जैसी हांगकांग की हैं वैसी ही हैं सेम, बस थोड़ी भीड़ है, बस थोड़ी देर में ए सी भीड़ है, बट कंफर्टेबल है, एसी में आराम से खड़े हैं। तो 18 स्टॉप्स हैं यहाँ से, और फिर उतरेंगे हम, उतर के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ का ट्रांसपोर्ट है देख लो, बढ़िया है। तो गाइज ये है सिटी ऑफ ड्रीम्स मॉल, ये है मॉल, ये देखिए ज़बरदस्त। और इसी के सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नज़ारा देखिए आप सामने का, और इस सिटी ऑफ ड्रीम्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ये है भाई गैम्बलर्स की जन्नत हेवन। ये देखिए वेनेशियन है सबसे बड़ा यहाँ का कैसीनो, बिल्कुल जैसे लास वेगास में है, बिल्कुल सेम कॉपी मार रखी है ऐसे कैसे, उन्हीं का है ये भी। और एक इस तरफ मॉल है, और ये है, ये देखिए, और ये बना रखा है आईफिल टावर ये देखिए गाइस इस पूरे रोड पे आपको कैसीनो ही कैसीनो नज़र आएंगे, और कुछ भी नहीं है यहाँ। ये देखिए गैम्बलर्स का हेवन है ये
तो ये देख लीजिए गाइस यहाँ का नज़ारा। और ये पूरी इन्होंने, ये देखिए ये पूरा वेनिस लुक दे रखा है। ये देखिए पीछे बिल्डिंग्स, ये है यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त अलग ही कोना है ये मकाऊ हुआ, जहाँ से हम अभी निकल के आए हैं वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट। ये देखिए ये देखिए यहाँ से ये लिखा हुआ है वेनेशियन, और ये सिटी ऑफ ड्रीम्स मॉल है, और ये है सेंट रेगिस, ये और वो उधर कौन रेड है, मतलब चारों तरफ सिर्फ कसिनो ही कसिनो है। पैसा लाओ और उड़ा दो यहाँ पे। ये देखिए लुक, और ये नीचे यहाँ पे पूरी रिवर टाइप इन्होंने आर्टिफिशियल बना रखी है। अंदर चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस अलग ही दुनिया है यहाँ पे, देख रहे हो। पेंटिंग नहीं है ऊपर छत पे। ये भाई पैसे भर भर के लाए हैं और चेक इन कर रहे हैं यहाँ पे एल बी एच के अंदर, और आज रात को यहाँ पे उड़ाएंगे पैसे। ये चल रहा है भाई जुआ, देख लो गाइस इससे पहले कोई फ़ोन बंद करा दे। ये देखिए चारों तरफ बाहर आई हुई है। तो जैसे मैंने बोला था गाइस बंद करा दिया। ये देखिए अब एस्केलेटर पे आ गया हूँ मैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ज़बरदस्त, देख रहे हो गाइस ये है यहाँ का कमाल। तो रिकॉर्डिंग करा दी थी बंद क्योंकि अंदर कैसीनो में रिकॉर्डिंग अलाउड होती नहीं है। ये देखो ऊपर क्या माहौल बना रखा है, जैसे दिन निकला हुआ हो। ये देखिए ये वॉल रूफ पेंटिंग कर रखी है, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त। और यहाँ नीचे ये देखो ये पानी चला रखा है, यहाँ पूरा वेनिस का माहौल बना रखा है बढ़िया। ये देखिए चारों तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो मैं, ये देखिए देख रहे हो गाइस वेनेशियन
ये देखिए बैक कैमरे से देखिए, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त। ये इन्होंने यहाँ पे पूरा लुक दे रखा है बढ़िया। ये देखिए ये देखिए, आगे दिखाऊंगा आपको। नीचे कैसीनो है और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स ही शॉप्स हैं, मॉल है ये। जो जीत गया वो यहाँ आके खर्च दो पैसे और जो हार गया वो तो नीचे दे ही देगा ये यहाँ पे ये देखिए, ऊपर देखिए, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त बना रखे हैं। बड़ा इतना है, मतलब घूमते ही रहो आप, ख़त्म नहीं होगा ये। ये है यहाँ पे, इधर आगे तक नज़र आ रहा होगा आपको, उधर भी आगे तक है और इधर जिधर से हम चलते हुए आ रहे हैं इधर भी बहुत आगे तक है। ये है यहाँ पे मकाऊ का वेनेशियन, और ये देखिए यहाँ पे, मतलब ये अदी है, बहुत ज़बरदस्त। और ये यहाँ देखिए गाइस ये देखिए पीछे मेरे, और ये ज्वेलरी है गाइस। कुछ मंगवाना हो तो बता देना, बाद में मत कहना नहीं ले गया मैं ये देखिए फुल एकदम। और ये एग्जिट है, बहुत देख लिया मैंने, काफ़ी देर से घूम रहा हूँ मैं। अब यहाँ से एग्जिट मारते हैं और देखना है मुझे क्या, सिटी ऑफ ड्रीम और देखना है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब निकलना ठीक है यहाँ से, क्योंकि भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ये तो गाइस बारिश हो गई है ज़बरदस्त, ये देखिए आप मेरे पीछे अभी भी हो रही है, इसीलिए ये देखिए बारिश। अंदर पता नहीं चल रहा था, बाहर पता चल रहा है, ये देखिए तो बारिश हो गई है ज़बरदस्त और टाइम हो गया है 10:30 का, तो अब निकलते हैं क्योंकि 1 बजे हांगकांग में मेट्रो चलनी भी बंद हो जाती है। तो गाइस आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अमेजिंग। तो अब निकलता हूँ मैं यहाँ से और पहुँचता हूँ हांगकांग, और कल मैं मिलता हूँ अब आपसे, क्योंकि अपना सामान रखना पड़ेगा मेरे को बारिश में। तो बस भी आ गई है, चलते हैं। ओके बाय, ये बस आ गई है 25 मेरी, यही पकड़नी है मेरे को।